नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 10 जरूरी एजेंडों पर लगे मुहर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन का शेड्यूल किया जारी। अब अवैध खनन से जुड़े धंधे में पकड़े जाने पर लगेगा 25 गुना अधिक जुर्माना। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रेणु देवी पर लगाए गंभीर आरोप। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन का शेड्यूल किया जारी। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के अटके नियोजन पर एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में छठे चरण के नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 8 जुलाई से सभी नियोजन इकाई को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अप्रूवल 10 जुलाई तक समिति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 12 जुलाई तक यह प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाना है। वहीं आपत्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थी को 28 जुलाई तक का वक्त दिया जाएगा। नियोजन इकाई के द्वारा आपत्तियों का निवारण 30 जुलाई तक करके दिया जाएगा, जिसके बाद 31 जुलाई तक शिक्षक नियोजन इकाइयों की मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियुक्ति के लिए 12 अगस्त तक नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक कर देगी। वहीं अभी काउंसलिंग के लिए दिन का निर्धारण नहीं किया गया है। बिहार सरकार के कैबिनेट मीटिंग में हुई विधानमंडल के मॉनसून सत्र की घोषणा। राज्य में बीते दिन नीतीश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वर्चुअल माध्यम से हुई इस कैबिनेट मीटिंग में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तारीख पर भी मुहर लगी है। इस औपबंधिक स्वीकृति के मुताबिक विधानसभा और विधान परिषद का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलता रहेगा। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में क्या क्या नियमों का पालन विधायकों को करना होगा। अब अवैध खनन से जुड़े धंधे में पकड़े जाने पर लगेगा 25 गुना अधिक जुर्माना। बिहार में अवैध बालू खनन धंधों में लिप्त लोगों को अब खैर नहीं मिलेगी। सरकार लगातार इन पर नकल कसने की तैयारी भरपूर कर रही है। अब इन पर शिकंजा कसने के लिए कैबिनेट बैठक में नई नियमावली पर मुहर भी लग गई है। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक अवैध खनन में प्रयोग किए गए गाड़ियों और नावों को जब्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति से 25 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा जुर्माना वसूलने और जब्ती के साथ ही इस काम में जुड़े लोगों को भी सरकार ने पुलिस को उन्हें पकड़ने का अधिकार दे दिया है। इस कदम से राज्य में अवैध रूप से प्राकृतिक आपदा को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ट्विटर इंडिया पर पटना में CJM कोर्ट में दर्ज कराया गया मामला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ट्विटर इंडिया पर अब बिहार की राजधानी पटना में भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाने का केस दर्ज करवाया गया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय रूंगटा ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत को दर्ज कराया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय रूंगटा ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत को दर्ज करवाया है। उनकी शिकायत है कि ट्विटर द्वारा भारत के नक्शे से कई बार छेड़छाड़ किए जाने और भारत सरकार द्वारा कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी ट्विटर बाज नहीं आ रहा है। ट्विटर के रवैये को उन्होंने भारत की सार्वभौमिकता के साथ देश को बदनाम करने वाला बताया है। वहीं इस मामले में भाजपा नेता सिद्धार्थ शंभू, प्रेम रंजन पटेल, राजीव रंजन मुख्य गवाह बने हैं। बताते चले कि 12 नवंबर 2020 को ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाकर चीन के भाग के रूप में दिखलाया था। बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 10 जरूरी एजेंडों पर लगे मुहर। बिहार में पटना स्थित मुख्य सचिवालय में बीते दिन शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस वर्चुअल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात हुई और 10 नए अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत बिहार खनिज नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र को 26 जुलाई से शुरू करने पर बात बनी। साथ ही कालाजार उन्मूलन के लिए कीटनाशक का छिड़काव WHO के माध्यम से कराने के लिए 2 करोड़ रुपए WHO को हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी मिली। इसके साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व चीफ जस्टिस व जस्टिस की घरेलू सहायता नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय संवर्गो में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध पदों के बंधेज के प्रावधान को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का बढ़िया स्टेशन पर ठहराव ना होने से यात्री हुए परेशान। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड से धनबाद पटना इंटरसिटी की सुविधा भी छीन ली गई है। रेलवे द्वारा जारी किए गए नए अधिसूचना के तहत 03331
32 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल का परिचालन 5 जुलाई से फिर से प्रारंभ किया जा रहा है, मगर इस ट्रेन के ठहराव को बढ़िया स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर सामान्य दिनों की तरह ही रखा गया है। अब इसके स्टॉपेज को 22 की जगह 21 स्टॉपेज तय कर दिया गया है। बताते चले कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से ही इन दिनों स्पेशल ट्रेन टाटा दानापुर भागलपुर दानापुर इंटरसिटी समेत आधा दर्जन ट्रेनों का ठहराव इस स्टेशन पर नहीं हो रहा है, जिससे बढ़िया के यात्री मेल सवारी गाड़ी या फिर सड़क मार्ग को एकमात्र सहारा बना रहे हैं। ऐसे में बढ़िया स्टेशन पर कई गाड़ियों का ठहराव न होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और लखीसराय और हाथीदा पहुंचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के कारण अररिया के बकरा और नूना नदी आए उफान पर। बिहार से सटे पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश ने हर साल की तरह ही इस बार भी सीमावर्ती जिलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहाड़ी नदियों से बिहार के अररिया जिले में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। अररिया के बकरा नदी और नून नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण यहां के कई ग्रामीण इलाकों और टोले मोहल्लों में पानी घुस गया है। वहीं बकरा नदी में पानी का स्तर भी लगातार ऊपर हो रहा है, जिससे बाढ़ जैसी संभावना बन गई है। वहीं हर साल नदी के कटान से यहां की आबादी के सामने विस्थापित होने की समस्या भी कड़ी हो जाती है। वहीं बाढ़ को लेकर प्रशासन नाव राशन वितरण सहित आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी कर चुका है। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधी ने मुजफ्फरपुर के आईपीएस अधिकारी को बनाया निशाना। बिहार में वीआईपी और मंत्री अधिकारी व अफसर लगातार साइबर क्राइम करने वालों का निशाना बन रहे हैं। ताजा मामला में मुजफ्फरपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी सैयद इमरान मसूद को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया है, जिसकी भनक तक आईपीएस अधिकारी को नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला साइबर फ्रॉड सद्दाम हुसैन ने आईपीएस अधिकारी का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके डिटेल चुराकर लड़कियों को फंसाने का काम करता था। कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर इसने गलत चैट शुरू कर दिया था और आपत्तिजनक तस्वीरों की मांग करता था। वहीं मामलों की जानकारी मिलने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने फेसबुक की मदद से आरोपी सद्दाम को दबोच लिया है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर औरंगाबाद में लोजपा प्रत्याशी ने की बैठक। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने लोजपा के दो गुट में बंटने के बाद पूरे राज्य में आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसे लेकर चिराग के सिपाहियों में भारी उत्साह है। इस क्रम में अपने नेता चिराग के समर्थन में आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से औरंगाबाद में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका संचालन रफीगंज से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे मनोज कुमार सिंह ने किया। इस बैठक में लोजपा कार्यकर्ताओं को चिराग के नेतृत्व में पार्टी को सशक्त बनाने की बात कही गई, साथ ही उन्होंने बूथ स्तर पर लोजपा को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। नीतीश सरकार के मंत्री विधायकों द्वारा नहीं थम रहा अफसरों पर इल्जाम लगाने का दौर। बिहार में आजकल अफसरशाही के विरुद्ध राजनीति जारी है। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा उनके विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाने के बाद अब अन्य मंत्री और विधायकों ने भी अपनी आवाज उनके समर्थन में तेज कर दिए हैं। जदयू के कई विधायक अब इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि राज्य में कुछ अफसर अपने को मंत्री से ऊपर मानते हैं। यही नहीं, भाजपा के कई विधायकों का साथ भी मदन सहनी को मिल रहा है। जिन विधायकों ने अफसरों को मनमाना बताया है, उनमें विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं अधिकारियों पर आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले मदन सहनी अपने फैसले को अडिग बता रहे हैं और इस मामले में आज वो नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगने वाले हैं। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बरसे अश्विनी चौबे। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। हालांकि अब राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती कि राहुल जी की ऐसी टिप्पणियों को देखकर कल ही सरकार ने जुलाई माह में टीके की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। जहां तक एक तरफ टीकाकरण तेज गति से बढ़ रहा है, वहीं पहले दिन से राहुल जी टीके को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसकी उपलब्धता को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, शर्मनाक है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी कोरोना के बढ़ रहे मामले और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा। बिहार के अलग अलग शहरों से होकर जाने वाली 18 जोड़ी ट्रेनों की बढ़ी परिचालन अवधि। देश भर में लॉकडाउन खुलने के बाद से ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने के अलावा कई ट्रेनों के परिचालन अवधि को भी यात्री की सुविधा को देखते हुए बढ़ाया गया है। इसे लेकर बिहार के पटना भागलपुर सहित अन्य स्टेशनों से खुलने व गुजरने वाली 18 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के समय को बढ़ा दिया गया है। इसके मुताबिक मुंबई सेंट्रल भागलपुर को 7 जुलाई तक, भागलपुर मुंबई सेंट्रल को 9 जुलाई तक, मुंबई सेंट्रल समस्तीपुर को 3, 5, 6, 8 व 10 जुलाई तक, समस्तीपुर मुंबई सेंट्रल को 5, 7, 8, 10 व 12 जुलाई तक चलेंगी। इसके साथ ही सिकंदराबाद रक्सौल 30 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को, रक्सौल सिकंदराबाद प्रत्येक सोमवार 2 अगस्त तक चलेंगी, गांधीधाम भागलपुर 27 अगस्त तक, इंदौर पटना 28 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को,
बांद्रा टर्मिनस सहरसा 29 अगस्त तक हर रविवार को, सहरसा बांद्रा हर मंगलवार को 31 अगस्त तक, पुणे दरभंगा 27 अक्टूबर तक, दरभंगा पुणे 29 अक्टूबर तक, हटिया इस्लामपुर 28 सितंबर तक, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी को 25 सितंबर तक और न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर व टाटा थावे को 27 सितंबर तक बढ़ाया गया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह कभी बनना चाहते थे ट्रक ड्राइवर। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक झटकने वाले हरभजन सिंह का आज 41वां जन्मदिन है। 3 जुलाई 1980 को जालंधर में जन्मे हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 मैच खेले हैं। हरभजन सिंह के नाम 417 टेस्ट विकेट है, वनडे में 269 विकेट ले चुके हैं और टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 25 विकेट अपने नाम किए। साल 2000 में हरभजन सिंह के पिता के निधन के बाद परिवार चलाने की जिम्मेदारी 21 साल के इस खिलाड़ी पर आ गई थी। हरभजन सिंह को अपनी माँ और 5 बहनों को पालना था और ना तो उनके पास कोई नौकरी थी और ना ही टीम इंडिया में उन्हें जगह मिल रही थी, जिसके बाद हरभजन सिंह ने परिवार चलाने के लिए क्रिकेट को छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला किया था। वो कनाडा जाकर ट्रक चलाना चाहते थे, हालांकि हरभजन सिंह को ऐसा करने से उनकी बहनों ने रोक दिया, जिसके बाद साल 2000 में रणजी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद हरभजन सिंह ने साल 2001 में टीम इंडिया में शानदार वापसी की। देश भर में कोरोना बीमारी से ठीक होने की दर पहुंची 97% के पार। देश भर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही लगातार रिकवरी रेट 97.06% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 738 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 57,477 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,95,533 हो गई है। वही बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 181 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 202 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,692 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.44% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि बिहार में सरकारी विभाग में अफसरों को सभी तरह के फैसले मंत्रियों की सहमति से लेना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।